हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएसआई की जो अभी एडमिट कार्ड और सिटी इंटीमेशन जारी हुए थे उसमें बहुत से कैंडिडेट का जो है सिटी इंटीमेशन दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब आयोग ने क्या किया है, सभी फेज़ के जिन जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम और एग्ज़ाम सिटी को है जो है पीडीएफ में डाल दी है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट का अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि उसके अंदर एक पीडीएफ के अंदर आठ हज़ार से ऊपर पेज हैं, तो वीडियो प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लग रहा है। आप अगर सर्च कर रहे हैं तो सर्च जो प्रोसेस हो रहा है वो बहुत टाइम ले रहा है। अगर आपको पता नहीं है कौन से फेज़ में है तो आप थोड़ा सा अपना रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद में आपका जो है सर्च हो जाएगा। अब अगर आप सोचेंगे कि डालते ही आपका एडमिट कार्ड या आपकी एग्ज़ाम सिटी पता चल जाए, तो अगर आपका 8000 पेज पे होता है और आप पहले पेज पे अगर सर्च कर रहे हैं तो आपका थोड़ा तो टाइम लगेगा, इसलिए आप थोड़ा उसको टाइम दें। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम है तो इन्हीं तीन फेज़ में से किसी एक फेज़ में होगा। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, जिन कैंडिडेट का अभी तक शो नहीं कर रहा वो इस तरीके से कर सकते हैं। और आप हो सके तो मोबाइल में ना करें इस चीज़ को, कंप्यूटर अगर आपके पास है, लैपटॉप आपके पास है तो आप लैपटॉप में कीजिए, क्योंकि मोबाइल के अंदर जो है प्रोसेस होने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन कंप्यूटर पर प्रोसेसिंग जल्दी हो जाती है। तो इसलिए आप अगर ये सर्च कर रहे हैं तो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर कीजिए। दूसरी बात मैं इसमें ये बताने वाला हूँ कि पीडीएफ आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों फेज़ के पीडीएफ जो है मैंने डाल दिए हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट अपना पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और देख सकते हैं कि कैसे आपको सर्च करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।